हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता माझी है। मैं यूट्यूब पे नई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करना एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। और मैं ओरिजिनली तो उड़ीसा से हूँ, बट मेरा जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ है। और क्या बताऊँ, हाँ, मेरे स्कूलिंग कॉलेज सब बंगाल से हुआ है, बट पापा के रिटायरमेंट के, मेरे पापा रेलवे में थे, तो रिटायरमेंट के बाद हम उड़ीसा शिफ्ट हो गए। यहीं पर अपना घर बना रहे, फ़िलहाल तो नहीं बना है, बट बहुत जल्दी होप्स हो कि बन जाए। एंड अभी हम अपने दादी के घर पे रहते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी मेरे दादी का घर और वहाँ के रीति रिवाज, सब कुछ, उड़ीसा के रीति रिवाज कैसे हैं, क्या है, सब कुछ। और प्लीज़ यार, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट करना। और मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने ग्रेजुएशन किया है विद हिस्ट्री ऑनर्स, एंड अभी अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ फॉर एसएससी सीजीएल। तो बहुत क्राउड है यार, यहाँ बहुत गाड़ी चलता है। अभी मैं मार्केट में हूँ, उड़ीसा के रायरंगपुर बोल के एक जगह है, वहाँ के मार्केट में हूँ। फैमिली के साथ आई हूँ विथ माय मम्मी एंड पापा, वो लोग अभी चाय पीने के लिए गए हैं। और यहाँ बहुत गर्मी है यार, आप मेरे को देख रहे हो कि मैं कैसे स्वेट हो रहा है मेरे को। मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यूटी के ऊपर होगा या फिर ब्लॉग्स होंगे या हर तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और आपके, अगर आपका कोई रिक्वेस्ट होगा, कोई वीडियो अगर आप मेरे से चाहते हो, तो वो भी आपके सारे रिक्वेस्ट फुलफिल होंगे, डोंट वरी। एंड बस दैट्स इट फॉर माय इंट्रोडक्शन, आई थिंक काफ़ी है। और क्या बताओ यार, हाँ, मेरे फैमिली में मेरे मम्मी है, पापा है, तीन भैया भाभी तीन हैं, दो मेरी क्यूट क्यूट भतीजी है, जिनसे मैं आपको धीरे धीरे करके मिलवाऊंगी। फ़िलहाल तो ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, देख रहे हो मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है यार। चलो, इंट्रोडक्शन के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर आप मेरे से मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरे को बोलना। हाँ, थोड़ा बता देती हूँ उड़ीसा के बारे में। मैं उड़ीसा से हूँ और उड़ीसा में मैं छोटे से गांव से हूँ, फ़िलहाल तो गांव में हूँ। देखती हूँ, जॉब के बाद यहाँ से जाना है यार, बिल्कुल भी मन नहीं लगता यहाँ पे, आप समझ ही सकते हो, शहर में पलने के बाद गांव में रहने का मन नहीं करता। तो बस उसके लिए कोशिश जारी है, और धीरे धीरे करके अपने गांव वालों से, गांव से और अपने फैमिली सबसे मिलवाऊंगी आपको। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।